भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत ध्यान, इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, एक साथ आप दो दो मुद्राओं का भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसा आवश्यकता हो, जैसा आवश्यक हो, जैसी आवश्यकता हो उसी प्रकार की मुद्रा का चयन कर सकते हैं। भस्त्रिका और कपालभाति हमने तीव्र गति, मध्यम गति और सामान्य गति तीन प्रकार से कहा, आयु और आवश्यकता के हिसाब से। तो ये केवल और केवल यंगस्टर्स के लिए, जो पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं, बलवान हैं, उनके लिए। बाकी मध्यम गति से जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी विशेष है, सामान्य गति से वो मध्यम बल का भी प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए सामान्य बल पूर्वक करना होगा। ऐसे गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करें, आवश्यकता के अनुसार करें। अभी जैसे मैं तो लगभग 5 मिनट ऐसा करता हूँ, लेकिन गर्दन नहीं हिलाता हूँ, कंधों में और फेफड़ों में ये जो एक सामान्य गति होती है प्राण के प्रविष्ट होने से उतनी होगी। ऐसे गर्दन ऐसे से नहीं हिलाना, नहीं, गलत बात। ऐसे लगभग मैंने 1 मिनट किया और 1 मिनट में 100 से 120 बार हो जाता है, और इतने में ही माथे पर पसीना आने लगता है, और 5 मिनट किया तो पूरा शरीर एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है, हमारे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र, एक आभा मंडल तैयार हो जाता है। और ये प्राणिक ओरा, इसको अंग्रेजी में ओरा कहते हैं, हिंदी में या संस्कृत में इसको आभा मंडल कहते हैं, उससे हमारा पूरा अस्तित्व ज्योतिर्मय हो जाता है, तेजोमय हो जाता है, हम सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, ये भी तीन प्रकार की गति, तीव्र गति जो पूरी तरह से योगी हैं, निरोगी हैं, उनके लिए, मध्यम गति सबके लिए। जिनको बहुत अधिक उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, उनके लिए धीमी गति से। गति का चयन अपनी आवश्यकता, आयु और अवस्था के अनुसार करेंगे सभी।
गतिपूर्वक भी करते हैं तो शक्ति पूरी लगती है उसमें। मध्यम गति, सामान्य गति, कपालभाति निरंतरता के साथ कीजिए सभी। कपालभाति के बाद ये एक बार बाह्य प्राणायाम कर लेंगे, एक बार उज्जायी, फिर थोड़ा अनुलोम विलोम करके भ्रामरी उद्गीत और ध्यान करेंगे। उज्जाय, बाह्य प्राणायाम में बाह्य कुंभक का कम से कम आधा मिनट और अभ्यंतर प्राणायाम में कम से कम आधा मिनट अभ्यंतर कुंभक का अभ्यास होना चाहिए। अनुलोम विलोम करेंगे। लय के साथ करना, वायु मुद्रा में हाथ रखना तो बहुत अच्छे से हो जाता है। घुटने के ऊपर जो हाथ है वो भी वायु मुद्रा में, जो ऊपर हाथ है वो भी वायु मुद्रा में। हाथ ज़्यादा ऊंचा भी नहीं रखना और ज़्यादा नीचे भी नहीं, ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे सहज सहजतापूर्वक लंबा लेना, सहजतापूर्वक लंबा छोड़ना। पूरी एकाग्रता पूर्वक करना, एक लय के साथ करना और जब हम इस योग का अभ्यास इस प्रकार से निरंतरता के साथ करते हैं और गुरु तत्व के साथ एकात्म हो करके परम गुरु के साथ उस जगत नियंता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापक अजर अमर नित्य अविनाशी पूर्ण ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है, सारे विकट से विकट संकटों का अंत हो जाता है, सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं, सारे दुख और दरिद्रताओं से, सारी दीनताओं से, सारे अभावों से मुक्त हो जाते हैं। अपने स्वरूप की पूर्णता और उस ब्रह्म की पूर्णता को
अनुभव करने लगते हैं। आइए पहली अंगुली माथे पर, शेष तीन आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से और आज्य चक्र में मन का निग्रह करते हुए धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञा लोक पूर्वक उद्गीत को नाद के रूप में जपते हैं तो ये नाद योग हो जाता है, भ्रामरी प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम, बाहर से जो मंद मंद श्वास भीतर जा रहा है उस श्वास के साथ
तथा भीतर से जो मंद मंद प्रश्वास बाहर निकल रहा है, इस प्रश्वास के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ ओम का ध्यान। श्वासों पर मन को टिका लें अथवा नासिकाग्र पर, हृदय चक्र में, मणिपुर चक्र में, सहस्रार में, आज्ञा चक्र में, जहां अनुकूलता प्रतीत हो, अभ्यास हो, वहीं पर मन को टिका के केंद्र से लेकर के परिधि तक, व्यष्टि से लेकर समष्टि तक, मनुष्यों से लेकर के मनुष्यतर जितना भी ये जीव जगत है, पूरे अस्तित्व में आस्तिकता का भाव, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में रगड़ते हैं। जैसे जैसे हम भगवान के साथ एकात्म होते जाते हैं, वैसे ही भगवान के दिव्य ज्ञान, भगवान के दिव्य प्रेम, दिव्य संवेदनाओं, भगवान के दिव्य कर्म, दिव्य पुरुषार्थ, दिव्य सामर्थ्य, दिव्य ऐश्वर्य के संपर्क में हम आते जाते हैं। यही है योग की महिमा, ध्यान की महिमा। और थोड़ी देर के लिए जो ध्यान करते हैं, फिर इसकी निरंतरता दिन भर बनी रहे, दिन भर ये ध्यान बना रहे कि मैं एक यंत्र मात्र हूँ, मुझ में संपूर्ण सामर्थ्य, चाहे वो ज्ञान का सामर्थ्य, भावनाओं का सामर्थ्य, कर्म पुरुषार्थ का सामर्थ्य, जितना भी जीवन का विविध ऐश्वर्य है, सब भगवान का दिया हुआ है। ये ध्यान निरंतर बना रहे तो ये ध्यान हमारा 24 घंटे का हो जाता है।